हेलो दुरंदरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जेके में। तो आज 20 सितंबर है और 20 सितंबर के दिन प्रातः सुबह 6 बज चुके हैं और आपके सामने डेली करंट का तहलका मैं हर रोज की तरह आज भी लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि बिल्कुल टॉप है और इन फ्यूचर में आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो मेरे भाइयों, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरी क्लास, ये मेरे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को मैं पॉइंट वाइज समझाता आता हूँ, ठीक है। बाहर से कुछ नहीं, जो मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहीं से ही क्वेश्चन या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताता हूँ अपने भाइयों को कि जो भी बच्चा, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन है, SSC से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड या फिर NDA का जो भी डिफेंस रिलेटेड कर रहा है बच्चा तैयारी, ठीक है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम में कम से कम एक या दो या किसी किसी में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। तो शुरू करते हैं आज की डेली करंट का तहलका, प्रातः सुबह 6 बजे आ जाती है, ठीक है। PDF के आपको मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम पे, और सीधा जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हो प्रातः सुबह 6 11 बजे, ठीक है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो मुझे बता देना टेलीग्राम से ही, ठीक है। तो जैसा कि मैं क्लास से पहले सितंबर की महत्वपूर्ण दिवसों की सूची, मतलब जो महीना चलता है उसकी दिवसों की सूची बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो आज भी ऐसे ही शुरू करते हैं। NCERT डे 1 तारीख को था, मैं पहले बता चुका हूँ। 2 ही तारीख को, 2 सितंबर को, मतलब विश्व जो कि नारियल दिवस था, वही मैं बता दूं कि 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, इसका जिक्र कर चुका हूँ। राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ये इंपोर्टेंट डे है, इंपोर्टेंट है मंथली के। इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को होता है और सेवा दिवस 17 सितंबर को था। तो आज 20 सितंबर है, आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। निशान लगाना, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। किस केंद्र शासित प्रदेश द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ, ये पहला है, स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। इंडिया फर्स्ट क्लीन सुजल प्रदेश, मतलब कि पहला, जिसमें जो कि इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। पॉइंट में बाद में समझाऊंगा, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाता है। आपके सामने दिख रहे हैं इसके उपराज्यपाल साहब और आपको दिख रहे हैं ये सामने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, ठीक है, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आपसे यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। वहीं पर उपराज्यपाल पूछ सकता है अंडमान निकोबार का कौन है, एडमिरल DK जोशी हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप के सभी गांवों को, हर गांव के अंतर्गत हर घर जल के लिए रूप में प्रमाणित किया गया है और खुले में शौच मुक्त जो है प्लस के रूप में सत्यापित किया गया है। किसको, अंडमान निकोबार को। मंत्री ने कहा है कि द्वीपों की उपलब्धि अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होगी, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। अब मैं बात कर दूं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और प्रबंधन है क्या चीज। ये ODP प्लस जो ODP है, जो मतलब शौच मुक्त है, सतत एवं ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधों को लेकर के है। अभिसरण IEC कार्य योजना आदि जैसे क्रॉस कंटिंग स्टेप्स इसके अंतर्गत आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के दिन, ठीक है, पर ग्रामीण घरों में नल के पानी को कनेक्शन के साथ 100% कवरेज के लिए घोषित किया गया था। तो इसको अंडमान निकोबार को आपसे पूछ सकता है। गोवा और तेलंगाना के बाद ये देश का तीसरा और फर्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में, तीसरा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने 100% ग्रामीण घरों में नल के पानी को कवरेज हासिल किया है। कौन, अंडमान निकोबार, इंपोर्टेंट है। सभी तथ्य तो सभी जितने भी पॉइंट थे आपके सामने मैंने रख दिए हैं, इंग्लिश में ये आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट है। देवेंद्र झांझरिया ने किस देश की विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता। आप सभी को पता होगा राजस्थान के रहने वाले हैं। अब ये बताना आपको इन कमेंट में किस जिले से रिलेटेड करते हैं, मतलब बिलोंग है। स्पेन, मोरक्को, इटली में चल रहे हैं, चिल्ली में चल रहे हैं, तो ये मोरक्को देश में चल रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए, जो कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चल रहे हैं, ठीक है। वही मैं इनके बारे में जिक्र कर दूं कि ये भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं, भाला फेंकते हैं, पैरालाइज हैं। उन्होंने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है, मतलब सिल्वर पदक जीते हैं, ये इंपोर्टेंट है। वहीं 3 बार के पैरा ओलंपिक विजेता रहे हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। वह पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरालंपिक एथलीट हैं। उन्होंने एथेंस 2004 में गोल्ड मारा, वहीं पर जो कि रियो डी जनेरियो 2016 में हुआ था, ये
वहां पर भी इन्होंने स्वर्ण मारा। फिर 2020 में टोक्यो में जो वहां पर रजत मारा, आप सभी को बताओगे प्रॉपर तरीके से, इसके बारे में इनके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र में किस आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित किया जाएगा, कहां पर? महाराष्ट्र के अंतर्गत, आपसे पूछ सकता है। मैं बात बता दूं आप सभी भाइयों को कि यह संस्थान जो है राज्य के स्वास्थ्य को लेकर के, कृषि को, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण आदि क्षेत्रों को बदलाव लाने के लिए में मदद करेगा। 18 सितंबर को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परवेश्वरन, यहां से पूछ सकता है, परवेश्वरन अय्यर और अन्य विशेषज्ञ की प्रस्तुति दी, कैसे आयोग विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव लाने में महाराष्ट्र की सहायता करेगा, वे सभी चर्चे, वे सभी मुद्दे यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए नीति आयोग ने सपोर्ट किया कुल मिलाकर के। ठीक है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आपको पता होनी चाहिए इनकी भी, ये अब बदल चुके, पहले ठाकरे साहब थे, अब कौन है? एकनाथ शिंदे जी। इस संस्था की स्थापना और नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नीति आयोग का पूरा सपोर्ट है। ठीक है, डिप्टी सीएम फर्नांडिस जो कि हैं, जो पहले बने थे कौन, सीएम महाराष्ट्र के, राज्य सरकार का वित्त विभाग इस संस्थान के लिए पूरी तरह तैयार होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री शिंदे ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किए गए निर्णय लेने के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्थापित करने के सुझाव और सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुल मिलाकर के नीति आयोग की सपोर्ट मिल रहा है, नीति आयोग इसमें सहायता कर रहा है। ठीक है, किसकी? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सभी चीजें पॉइंट आप अगर एक बार पढ़ लोगे मेरे द्वारा, फिर शाम को इसका रिविजन कर लोगे तो प्रॉपर तरीके से आप भूल नहीं सकते कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेनेसा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेनेसा नाकाटे को किस संगठन के नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ, यूएनईपी, डीआरडीओ, नल, तो इसका राइट आंसर हो जाता है यूनिसेफ के अंतर्गत इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? वेनेसा नाकाटे। आइए बता दूं इनके बारे में थोड़ा। 15 सितंबर को यूनिसेफ ने 25 वर्षीय युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। ठीक है, स्वीडन को ग्रेटा धुनबर्ग में प्रेरित होकर नाकाटे ने 2019 में अपनी जलवायु सहायता पर मतलब सक्रियता शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने राइज ऑफ मूवमेंट की स्थापना की। COP25 और COP24 में जलवायु जो होता है, आपको बताया मैंने प्रॉपर तरीके से कॉप क्या है, कहां पर है और नेक्स्ट कॉप कहां पर होगा, इन कमेंट मुझे बताना। जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था किन्होंने? ने ये नाकाटे साहब ने। वही बता दें यूनिसेफ का कहना है कि दुनिया के 2.2 बिलियन बच्चे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बहुत उच्च जोखिम के रूप में वर्गीत 33 देशों में से एक रहते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है आपके सामने जो बनी है, नहीं है, ठीक है, एम्बेसडर है, ठीक है, यूनिसेफ की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा वालों के लिए भी। बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियन में पुरुष के 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता, आपके सामने दिख रहे होंगे, ये विश्व चैंपियनशिप चल रही है, सर्बिया के अंतर्गत चल रही है। अब आपको मुझे बताना किस महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो कांस्य पदक जीता, स्वर्ण, रजत या पदक, तो इसका राइट आंसर होता है कांस्य पदक। आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था विनेश फोगाट ने भी अपने इसमें सर्बिया के बेलग्रेड विश्व कुश्ती चैंपियन में कांस्य पदक जीता था। अब आपको बताना है कि किस वर्ग में, कौन कितने किलो वर्ग में उन्होंने पदक जीता है, ये इंपॉर्टेंट है हरियाणा वालों। ठीक है, वही बता दूं मैं, इन्होंने हराया था सेबिस्टियन के रेवरा को, चैंपियंस में पूनिया का चौथा पदक है। उन्होंने 2013 में भी कांस्य पदक जीता था, 2018 चैंपियन में रजत पदक जीता था, 2019 में कांस्य पदक जीता था। उनके पास 4 चैंपियनशिप पदक जीते पड़े हैं जो इनके नाम है। बेलग्रेड सर्बिया में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियन कप भारत का दूसरा पदक है, पहला पदक भी विनेश फोगाट ने दिया था, वो भी कांस्य पदक के रूप में। ठीक है, दूसरा आपके सामने बजरंग पूनिया साहब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाइयों। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 60 स्टार्टअप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंपोर्टेंट, इसके बारे में काफी अत्यंत जिक्र करूंगा कि नेतृत्व पुरस्कार मिला, विशेष पुरस्कार, इंस्पायर पुरस्कार या नागरिक। तो इंस्पायर पुरस्कार उनका अवार्ड से सम्मानित किया गया है 60 स्टार्टअप को। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं बता रहा हूँ केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, इनको नोट कर लेना, ऐसी जल शक्ति मैंने बताया मंत्री, ठीक है, इसी प्रकार से इनको याद कर लेना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 53,000 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है 2021-2021 के दौरान सभी राज्यों में 6.53 लाख विचारों और नवाचारों ने वार्षिक इंस्पायर अवार्ड, जिसको मानक मतलब मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज प्रतियोगिता में भाग लिया था।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी राज्यों की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि एक राज्य की। प्रतिभागियों में लगभग 51% अपनी बहनें थी, जबकि 84% प्रतिभागी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में थे। सरकार ने 6.53 लाख छात्रों में से 53,000 छात्रों की पहचान की और विचारों के प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। ठीक है, की जाएगी। अब कुल 556 छात्र 9वीं राष्ट्रीय सत्रों की प्रदर्शनी और प्रयोजन में प्रतिभाग ले रहे हैं। ये इंपोर्टेंट है, आप सभी के सामने मैंने बता दिया है, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसको चला रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकता है स्टार्ट स्टार्टअप को किस किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, तो वह इंस्पायर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इंस्पायर पुरस्कार के बारे में सुन लो थोड़ा सा, रुक जाओ। जो यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया, आपके सामने बता दी मैंने, इसका उद्देश्य है देश में युवा उद्यमियों को समर्थन देना। ठीक है, इसका उद्देश्य 10 लाख मूल विचार और नव विचार उनको लक्षित करना, कुल उनके अंदर आइडियाज क्या है, इनोवेशन क्या है, वो खोज क्या करते हैं, इस चीज के लिए चलाई जा रही है इंस्पायर पुरस्कार। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाइयों, भारतीय उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किया गया है या मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने मिस्टर स्वाति जी। ठीक है, मिसिज स्वाति, सॉरी डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है, मिसिज है। ठीक है, स्वाति पीरामल जी, तो ये फ्रांस की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया है। अब मैं बता दूं कौन सा अवार्ड दिया गया, इनको सम्मानित किया गया फ्रांस की तरफ से। डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार और उद्योग विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में उनको योगदान है, भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करना, और सेवलिये डे ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का प्राप्त हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि किस देश के द्वारा किसको दिया गया है, ये सभी चीजें। डॉक्टर स्वाति पीरामल पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरमैन है और चेयरपर्सन है, और जो कि फार्मास्यूटिकल वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, ग्लास पैकिंग में फैली एक व्यवसायिक समूह है। फ्रांस की यूरोप और विदेश मामलों की कैथरीन कोलोना ने डॉक्टर स्वेता पीरामल को यह पुरस्कार दिया, जैसे आपको दिख रहे हैं कैथरीन कोलोना ये है जो हमारी श्वेता पीरामल को दे रही पुरस्कार को। ठीक है, 2016 में डॉक्टर श्वेता स्वाति पीरामल को फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार मिला, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, पीरामल पद्म श्री से पुरस्कृत हो चुकी हैं। ठीक है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के व्यापार सलाहकार परिषद, वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया है, और कला का पीरामल संग्रहालय साइंस बियॉन्ड वर्ड्स प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, मैं बता दूं लीजन ऑफ ऑनर क्या है, इसकी स्थापना 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। यह फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर आपके सामने पूछ सकता है, लीजन ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रकृति को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR, DRDO, नीति अन्न, तो CSIR द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए मैं बता दूं कि 14-15 सितंबर 2022 को दौरान आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में CISR के विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया। द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम सूरत में किया गया। विज्ञान प्रगति बच्चों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई और विज्ञान प्रगति का उद्देश्य है युवा छात्रों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करना। ठीक है, संविधान अनुच्छेद 51 के अनुसार वैज्ञानिक सोच, जांच की भावना, मानवतावाद और सुचार का विकास करना प्रत्येक नागरिक की मौलिक कर्तव्य है अपना। ठीक है, राजभाषा ये मौलिक कर्तव्य है, ये और मत समझ लेना, मौलिक अधिकार। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये क्वेश्चन उठ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट बता दूं, नेक्स्ट आपके सामने इंग्लिश है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2022 तक GDP के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत क्या है, इंपोर्टेंट है बिल्कुल GDP के बारे में। 13-14%, 13-16%, 12-14%, 11, भाई एग्जामिनर को आपको अटकाना है। ठीक है, वो किसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, बैंक वाले सुन लो। ठीक है, 13-14% है, तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक लागत को कम करके पूरे देश में
जो माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना, कुल मिलाकर सपोर्ट करना, उसको सहायता प्रदान करनी है। इसका उद्देश्य घरेलू और वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। ठीक है, पीएम मोदी द्वारा ये पॉलिसी चलाई गई है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से मैंने जर्मनी की क्या है, एवरेज यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया की क्या है, ये सभी चीज मैंने नीचे दे रखे हैं प्रॉपर तरीके से इसका बायोडाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी, जिसको पेरियार बोला जाता है, पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। तमिलनाडु बनाएगा, गुजरात बनाएगा, तेलंगाना बनाएगा, आंध्र प्रदेश बनाएगा। तो इसके राइट आंसर रहता है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर रहता हो जाता है ए। तमिलनाडु जो है सरकार सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी के जन्मदिन को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस का रूप में मनाती है और हर साल मनाई जाती है, सोशल जस्टिस डे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कौन सी सरकार, कौन सा स्टेट ईवी रामास्वामी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो आपके सामने ये दिख रहे हैं रामास्वामी जी, ठीक है, इनको ही मनाया जाता है। ठीक है, और आज की क्लास, आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है मेरे भाइयों। मैं इतना ही कहूंगा, कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत किसी भी पॉइंट में आप अटकते हो तो इन कमेंट मुझे बता देना कि यहाँ से मैं अटक रहा हूँ। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसी के साथ अपने भाई से यही कहूंगा कि प्रैक्टिस सेट, बंकर टेस्ट सीरीज, जीके की बंकर टेस्ट सीरीज प्रॉपर तरीके से आपको जीके से और बढ़िया बढ़िया तरीके मैंने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट लगवाए हुए हैं। आप अपने जीके को जैसे पेपर चल रहे हैं तो आप जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने भाइयों से।